नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के धमाकेदार स्टॉक दीपक नाइट्राइट के बारे में। 16% की धमाकेदार तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक 750 के भी पार यहां पर निकल चुका है, लेकिन इस रैली के पीछे का रीजन क्या है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और यहां पर क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 753 रुपीज़, जो कि 16.04% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 20.55 है। इंडस्ट्री का पी है 16.58। प्राइस टू बुक रेशियो है 6.91। डिविडेंड यील्ड है 0.6% के आसपास। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 28.47% की डिलीवरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रीज़न आपके सामने है कि क्यों हमें तेज़ी देखने को मिल रही है दीपक नाइट्रेट में, क्योंकि DGTR ने रेकमेंड किया है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन फिनॉल इंपोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता होना चाहिए दीपक नाइट्रेट के एक होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है दीपक फेनोलिक्स। नाम से ही पता चलता है किस इंडस्ट्री में कामकाज करती है। तो यहाँ पर दीपक फेनोलिक्स, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स और SI ग्रुप ने पहले भी DGTR को अप्रोच किया था और कंप्लेन किया था कि इंपोर्ट्स आर अंडर कटिंग प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड आर फोर्स टू सेल फेनॉल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड $600 मिलियन वर्थ ऑफ फेनॉल एवरी ईयर। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों फायदा हो रहा है यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी से। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स और थाईलैंड जैसे देश फेनॉल को एक्सपोर्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा चीप प्राइस पर कर देते हैं, जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए फेनॉल की उससे काफी ज्यादा चीप प्राइस पर यहां पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उससे फोर्स हो जाता है कि उन्हें भी फेनॉल को सस्ते प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए DGTR को उन्होंने कंप्लेन किया था और DGTR ने रेकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा जिससे प्राइस पर वो खुद कंट्रोल रख पाएगी। तो यहां पर हमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रोथ करने का मौका मिलेगा और इसी वजह से हमें दीपक नाइट्रेट में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं और हमें पता चलता है कि भाई साहब धमाकेदार तेजी बनी हुई है दीपक नाइट्रेट में। मार्च में जो गिरावट हुई थी उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, रिकवरी तो छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पर नए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 80.41, जो कि हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है। अगर बात करें MFI के बारे में तो वो 77.13। आप देख पाएंगे यहाँ पर हाईली ओवरबॉट जोन हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई और वापस हमें यहां पर हाईली ओवरबॉट जोन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। MACD के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स यहां पर हमें बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे यहां पर तगड़ा बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें तेजी दिखाई दी और अपर बैंड को तोड़कर यह काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड का लेवल है 707 का लेवल, मीडियन का जो लेवल वो 625 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 543 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 588 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर एक रेजिस्टेंस जो कि है 700 के आसपास का लेवल, वो तो डिसाइसिवली टूट चुका है, लेकिन यहां पर 762 का लेवल भी हमें दिखाई देता है जहां पर आज स्टॉक को रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ा है और 750 के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 529 का लेवल हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगी जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे भाई साहब धमाकेदार मूवमेंट बनाकर दी है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के EMA के आसपास, जो कि फिलहाल काफी ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। 424 के आसपास ही हमें लेवल दिखाई देता है। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लॉस का तो बात बनता ही नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो लॉस की तो यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं बनती। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं तो धमाकेदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, तो कुछ लेवल्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। 760 के आसपास का लेवल था और बाद में हम 800 भी एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पर फ्रेश बाय दो बार रेकमेंड किया था। जब यहाँ पर हमें गिरावट
गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली थी, तो मैंने आपको 450 से 480 का जोन बताया था, वहां पर आप बाइंग कर सकते थे और उसके बाद भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 670 के आसपास स्टॉक पहुंच भी चुका था लेकिन उसके बाद वापस हमें गिरावट देखने को मिली। तब भी मैंने आपको रेकमेंड किया था कि अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 550 से करके 580 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। और एक मौका हमें देखने को भी मिला था, 580 के आसपास स्टॉक आया भी था और उसके बाद वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरा मानना है फ्रेश बाइंग फिलहाल तो वेट करना चाहिए, जिन्होंने स्टॉक लेकर रखा है उन्हें एंजॉय करने का समय है, लेकिन अगर आप अभी स्टॉक को बाय करते हैं तो स्टॉक को चेस करना हो गया, जो कि मैं उसके बिल्कुल ही खिलाफ हूं। स्टॉक में बुराई कोई नहीं है, जिसके जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक्सपांशन के प्लान्स कर रही है, लॉन्ग टर्म में धमाकेदार मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और आप देख सकते हैं 700 के ऊपर तो अभी ही निकल चुका है, तो लॉन्ग टर्म अभी तो हुआ भी नहीं है, 2-3 महीने भी मुश्किल से हुए रहेंगे। तो यहां पर फ्रेश बाय की बात करें तो अगर आपको स्टॉक 650 के आसपास मिलता है, पहले 650 एज ए रेजिस्टेंस दिखाई दिया था तो अब यही एज ए सपोर्ट भी दिखाई देगा, तो अगर यहां पर आपको 650 का लेवल दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। धमाकेदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बने रहिए, अपने पोर्टफोलियो में से निकालने की इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।